है एवरी वन इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू today's चैनल सो इन going वीडियो वी आर गोइंग टू mistakes that दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड फॉर boards for both द क्लासेस क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th. सो so, ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो तुम लोगों को बिल्कुल ही अवॉइड करनी है कई स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स अभी भी कर रहे हैं सबसे पहले जो मिस्टेक है ना कि तुम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं रखा है या बहुत कम अपना पोर्शन complete कर रखा है एंड दिंकिंग कि एग्जाम के दो तीन दिन पहले पढ़ के ही हम इजिल पास हो जाएंगे स्कोर ऐसा नहीं होने वाला है बिकॉज

ठीक है देन सेकंड काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर दो जिन्होंने स्टार्ट तो करा नहीं होता एंड दे स्टार्ट रिग्रेटिंग एक तो ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा एंड दे डू नॉट इवन केयर दे थिंकिंग कि हम लास्ट में ही करेंगे हो जाएगा बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने नहीं स्टार्ट करा होता है नाउ दे स्टार्ट रिग्रेटिंग कि हमने पहले स्टार्ट क्यों नहीं करा एंड एवरी थिंग तो रिग्रेट भी बिल्कुल नहीं करना है बिकॉज जो टाइम बीत गया नाउ यू कैन नॉट चेंज दैट सो इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब से अगर तुम स्टार्ट करे स्टार्ट विद फुल कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करो देन उसके बाद है कम्पेरजन लाइक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं ऑनस्टली करती थी आई यूज टू कम्पेयर अलॉट माई फ्रेंड्स उनका इतना सिलेबस हो गया है अभी तक मेरा इतना नहीं हुआ है, बहुत मेरा हुआ है तो क्या मैं कर भी पाऊंगी या फिर नहीं तो कंपेयर खुद को बिल्कुल भी नहीं करना है because तुम लोग अगर खुद से खुद से तो इजिली स्कोर कर सकते हो क्या कर रहा है एंड हमें अपनी मेहनत करनी है, so नहीं करना है। अगर पॉजिटिव वे में कंपेयर कर रहे हो कि यार उसने बहुत कर लिया है चलो मैं भी करती हूँ बट अगर हम नेगेटिव वे में कई बार करते हैं उनका इतना हो गया है हमारा बिल्कुल नहीं हुआ है वी गेट डीमोटिवेट

ये जो सब्सक्रिप्शन है तुम्हारी सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बिकॉज सबसे पहले तो अगर तुम लोगों ने सिलेबस नहीं कर रखा है सो so इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स है उनकी लाइव क्लासेस में तुम लोग एनरोल कर सकते हो उनसे पढ़ सकते हो एंड इजीली अपना जो सिलेबस है ना उसको कंप्लीट कर सकते हो सेकंड है यहां पर डाउट सॉल्विंग रहेगी ट्वेंटी फोर इंटू सेवन अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो इजिली डाउट सॉल्विंग का फीचर यूज कर सकते हो तुम लोग एंड योर डाउट्स विल गेट सॉल्व ठीक है देन हमारे पास गाइडेंस हमें मिलेगी सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस सब्सक्रिप्शन विद पी वाइक्यूज टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह हर एक चीज इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड रहेगा तो अगर तुम लोगों ने बहुत कम प्रिपरेशन कर रखी है या इवन अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर दी है बट के लिए अब तुम चाहते हो तो उसके लिए ये सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया रहेगा एंड इन द सेम वे अगर तुम फर्दर आगे परचेस करना भी चाहोगे जेई के लिए या फिर नीट के लिए या कभी भी अनक अडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहोगे तो तुम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा प्लस को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो बिकॉज ये जो कॉस्ट है ना दो महीने का बहुत ज्यादा होता है बट अभी अडमी में बिकॉज लर्निंग फेस्टिव

ना उनसे स्टार्ट करना उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम इजिली कर सकते हैं जैसे अगर हम बात करें मैथ्स में तो उसमें हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है थर्ड है है फोर्थ काफी सिंपल से चैप्टर्स हैं तो वो तुम पहले कर सकते हो बिकॉज बहुत ही छोटे से चैप्टर हैं बहुत ही जल्दी वो तुम्हारे कंप्लीट भी हो जाएंगे ठीक है देन हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर तुम्हें नहीं पता है फिजिक्स में केमिस्ट्री में चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी वहां से जाके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हीं पर फोकस करना है ठीक है देन हमारे पास टाइम टेबल अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग टाइम टेबल बना देते हैं इतने से इतने बजे तक हमें ये पढ़ना है ये सब फॉलो करना है एक पर्टिकुलर दिन में बट वो हो नहीं पाता है सो इट लीड्स टू डिमोटिवेशन की हम लोग तो कर ही नहीं पाए तो so अपना टाइम टेबल से बेटर है कि अपनी टू डू लिस्ट बना लो दूसरे दिन की कि हमें क्या क्या काम करना है यू कैन जस्ट नोट इट डाउन वन डे बिफोर कि जैसे दूसरे दिन मुझे क्या क्या करना है एक दिन पहले ही मैं नोट डाउन कर लूंगी क्या क्या चीजें करनी है जैसे फिजिक्स के मालूम

करते ही नहीं है क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम सोचते हैं कि यार वन शॉट हमने देख लिया या पर्टिकुलर चैप्टर जो है टॉपिक्स वगैरह कर लिए हैं तो लिएजिली हमसे हो जाएगा बट ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज सिर्फ वन शॉट अगर तुमने देखा है तो तुम्हें सिर्फ उस टॉपिक का बेसिक आइडिया है जिस टाइप के क्वेश्चन तो आइडिया ही नहीं है इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन बैंक बैग पेपर्स बहुत सारी चीजें नहीं भी हो रही है एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो एटलीस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स टेन तो करके ही जाना बिकॉज यहीं से तुम्हारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे रूल

पास सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा गैप है तो मे भी अगर उसमें एक चैप्टर बच भी जा रहा है तो उस टाइम कर डिवाइड तो तो करना कि किसमें कितना बचा है, किसमें हो है किसमें नहीं तो ये सारी चीजें तुम लोग को डेफिनेटली करनी पड़ेंगी ये सारी मिस्टेक्स जो मैंने बताई अवॉइड करना इनके अलावा क्या क्या चीजें करनी है वो भी मैंने बता दी है इनकेस तुम लोग कोई भी डिफिकल्टी है यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए सैंपल पेपर्स की या पीवा टेलीग्राम so, पे मैंने डाल दिया है नेम स्टडी वेयर हाउस है लिंक डिस्क्रिप्शन में है या yeah, सिंपली अगर लिंक वर्क नहीं करती है तो टेलीग्राम स्टडी वेयर हाउस सर्च कर देना वहां पे मेरा चैनल मिल जाएगा जो भी पीडीएफ है उनको डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना ठीक है सो दैट इज इट फॉर आर टेज वीडियो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो टिल टेक केयर